हार के बाद गुस्से में रोहित शर्मा ने बनाया खतरनाक प्लान, प्लेइंग 11 में होगा बड़ा बदलाव। केप टाउन की पिच ने किया विराट अय्यर को परेशान, गिल की फॉर्म से कप्तान हैरान। रोहित अपने लाडले को करेंगे कुर्बान, अफ्रीका में नहीं हारेंगे सीरीज। इस वक्त टीम इंडिया साउथ अफ्रीका में है, लगातार T20 हो वनडे हो अच्छा प्रदर्शन दिखाया। पहला टेस्ट मैच खेला गया, सबको उम्मीद थी इस बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में टीम इंडिया एक बार मैच जीतेगी और सीरीज जीतने की ओर अग्रसर होगी, लेकिन टीम इंडिया पहला मुकाबला बुरी तरह से हार गई। पारी से हार के बाद टीम इंडिया पूरी तरह से परेशान है। रोहित शर्मा कप्तान है, रोहित शर्मा पर अच्छी खासी जिम्मेदारी है कि विराट कोहली जिस तरह से विदेशी पिचों पर अच्छा खेल दिखाते थे, टीम का अच्छा संयोजन बनाते थे, वही सब कुछ इस वक्त रोहित शर्मा पर दबाव बना रहा है। लेकिन पहला मुकाबला हार चुके हैं, अब प्लेइंग 11 में बदलाव की बात कही जा रही है। पहले मुकाबले में रविंद्र जडेजा फिट नहीं थे, इस वजह उनकी जगह रविचंद्रन अश्विन को मौका दिया गया था। साथ में चार तेज गेंदबाज थे, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज और बुमराह, लेकिन हमारे गेंदबाजों ने कुछ खास कमाल नहीं किया था। पहले भारतीय बल्लेबाजों का दम निकला, उसके बाद गेंदबाजी में कुछ खास देखने को नहीं मिला। बात करें अगर दूसरी पारी की, दूसरी पारी में विराट कोहली के अलावा कोई भी बल्लेबाज खड़ा नहीं रह सका और टीम इंडिया को पारी से हार का सामना करना पड़ा। दूसरा मुकाबला केप टाउन में खेला जाएगा। केप टाउन की पिच रिपोर्ट क्या है, क्या है आंकड़े, वो सब आपको बताऊंगा। साथ साथ क्या होगी भारतीय टीम की दूसरे टेस्ट मैच में प्लेइंग 11, वो भी मैं आपको बताऊंगा। केप टाउन के न्यूलैंड्स स्टेडियम की पिच शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद करने वाली है, यहाँ बल्लेबाज भी अपना जौहर दिखा सकते हैं। इस पिच पर दोनों टीमों की गेंदबाजी आक्रमण की परीक्षा होने वाली, चूंकि यहाँ की पिच सपाट होती है। इस मैदान में 1992 से अब तक साउथ अफ्रीका ने 35 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 24 मुकाबलों में जीत मिली है, 6 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं और 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। अगर बात करें टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका की केप टाउन में मुकाबले की, तो 1993 जो 92 का दौरा था उसी से शुरुआत हुई थी साउथ अफ्रीका में टीम इंडिया के टेस्ट सीरीज की, और वहां से लेकर अब तक टीम इंडिया टेस्ट सीरीज तो नहीं जीती है। लेकिन अगर केप टाउन की बात करें तो यहां पर दोनों टीमों के बीच 6 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से 4 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते हैं, 2 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं, जबकि टीम इंडिया के खाते में एक भी मुकाबला नहीं आया है। मैदान के आंकड़ों की बात करें तो यहां अब तक 60 मुकाबले खेले जा चुके हैं, पहली बैटिंग ने यहां 23 मुकाबले जीते हैं, जबकि दूसरी बैटिंग ने यहां 25 मुकाबले जीते हैं। अगर सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने ही बनाया है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 651 रन 10 विकेट पर, जबकि कम रन की बात करें तो यहां पर 35 रन पर टीम ऑल आउट हो गई थी साउथ अफ्रीका की इंग्लैंड के खिलाफ। तो ये थे दोनों टीमों के आंकड़े, मैदान के आंकड़े। तो चलिए जानते हैं क्या हो सकती है भारत की संभावित प्लेइंग 11। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग कर सकते हैं, शुभमन गिल नंबर 3 पर ही खेलते नजर आएंगे, विराट कोहली नंबर 4, नंबर 5 पे श्रेयस अय्यर, 5-6 पे केएल राहुल। 7 की बात करें तो जडेजा की वापसी होगी, रविचंद्रन अश्विन की हर कोई मांग कर रहा है, तो मुझे लगता है नंबर 8 रविचंद्रन अश्विन का होगा। नंबर 9 पर होंगे मुकेश कुमार, 10 पर मोहम्मद सिराज, 11 पर जसप्रीत बुमराह। तो फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इस प्लेइंग 11 में बदलाव करना चाहिए नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।